और मैं कबूतर ज़्यादा कहीं से लाता नहीं, बस एक दो ही लाता हूँ, बहुत करा तो मैं जो पसंद आता है, बस जो पसंद आता है मुझे 100 में से एक दो ही अच्छा निकालता हूँ। किस तालीम से वापस है? हम उस्ताद मुख्तार तालीम से हैं। कितना टाइम हो गया आपने? मुझे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम मुझे 17-18 साल हो गए होंगे, मैं इसी तालीम से जुड़ा हुआ हूँ जब से आज तक। हाफिज़ फाजिल की छत के ऊपर अमरोही के अंदर ये इनका शौक है। देखो लालन बेटा सारे लालन खेरा देखो बेटा बताना ये लालन सब लालन घर में छत के ऊपर शौक देखें भाई, अमरोहे का शौक है। लालन घाघरे सारे के सारे लालन घाघरे मिक्स, ये अमरोहे का शौक है फाजिल भाई के अंदर। उन्नावी को उधर एक ही उन्नावी बाहर है, काला गंड का है, ये इनके लालन घाघरे ऊपर है और ये है फाजिल भाई, ये इनका शौक है। ये सब इनके लालन घाघरे बाहर अभी कास्ट नहीं हो रहे, जो भी खोल के दिखाएंगे। ये अमरोहे का शौक है, ये उस्ताद लोग हैं, उस्ताद राहुल पंडित और उस्ताद मुख्तियार खलीफा जिल में खलीफा नज़र, ये हमारे भाई अमरोहे से, ये फाजिल भाई, ये इनके कबूतर। एक ही तालीम में है आज। ऑफर भी आई होंगी तो मैं कई जगह बताया था तुम्हारा, तो इसको आदमी ऑफर भी देता है इस तालीम में चले जा तो तुझे इतना कबूतर दे देंगे, इतना कबूतर दे देंगे, ऐसा होता है। मगर हमें जो पसंद उस्ताद मुख्तार तालीम में जो चीज़ पसंद आई है उनका जो बड़प्पन है और उनका अंदर घमंड और तकबर जो है वो अल्लाह ने उनके अंदर बिल्कुल नहीं डाला, ये चीज़ हमें बहुत पसंद आती है। और हमारा कबूतर उठा माशाल्लाह से, तो हमें क्या ज़रूरत है निगरानी। फाजिल भाई मैंने देखा जैसे कबूतर उड़ रहा है, आप किसी तालीम से कबूतर उड़ा रहा हो, उसके बावजूद भी आप ही देख रहे हैं यार इसको, इसका कबूतर अच्छा उड़ता है, तो हम ही सोचता हूँ किस तरह से लालच देखे तोड़ा जाए। ऐसे भी कोई हादसा तुम्हारे साथ हुआ है? होता है, ऐसे भी हादसे होते हैं। नहीं तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा कोई चीज़? मेरे साथ हुआ है ऐसे हादसे हुए हैं। क्या यहाँ कुछ है? अरे हमारे पास आ जाओ। नहीं भाई, हमने जब से आँख खोली है हमने उस्ताद मुख्तार तालीम का ही हमने कबूतर उड़ाए हैं, और ता जिंदगी कयामत तक, जिंदगी जब तक है हमारे अंदर सांस में सांस है जब तक हम उस्ताद मुख्तार तालीम से ही जुड़े रहेंगे। उस्ताद मुख्तार तालीम की बात तो एक अलग है, उस्ताद मुख्तार तालीम तुम्हारे जो उस्ताद हैं वो रहते हैं दिल्ली के अंदर और आप रहते हो अमरोहे के अंदर, ना अमरोहे वालों ने भी कुछ ना लालच तुम्हें दिया होगा लोगों पीछे लगा के देते हैं लालच, तो क्या किस टाइप का लालच देते हैं कि आप हमारे पास आ जाओ और हम तुम्हें खलीफा बना देंगे और हम तुम्हें उस्ताद जी से मिलवा देंगे और हम तुम्हें कबूतर चाहिए कबूतर दिलवा देंगे, मगर नहीं हमें उस्ताद की दुआएं चाहिए, नहीं हमें किसी से कबूतर चाहिए, हमें बस उस्ताद मुख्तार की दुआएं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कबूतर बहुत है हमारे पास, हमें किसी के कबूतरों की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी खूबी इनके अंदर देखो क्या है, क्या चीज़ आपने नोट और चेक करी इसमें कि लोगों ने इनको लालच दिया फाजिल भाई को, सब कुछ कहा उनसे कि आप हमारी तालीम के अंदर आ जाओ, क्यों जब कबूतर उड़ता है ना जिस जगह से, मेरे यहाँ छत एक मेरे इस इलाके के अंदर 10 छतें हैं, 10 छतों में से 4 छतें उड़ लेंगे 6 छतें नहीं उड़ लेंगी, तो आदमी लालच देगा किसी तरह भी तोड़ पाड़ के उसको अपनी तरफ कर लो। तो सबसे बड़ी खूबी क्या है फाजिल भाई के अंदर, इसे कहते हैं नस्लदार,
और जो एक बाप की औलाद होता है ना, वो एक बाप की औलाद होता है, वो दो बाप की नहीं होता। जो इंसान एक तालीम छोड़कर दूसरी तालीम के अंदर जाए तो उसमें परमानेंट हट जाए। 17 साल हो गया हमारे फाजिल भाई को शौक करते हुए, आज भी फाजिल भाई उस्ताद मुख्तियार तालीम के अंदर ही हैं। क्यों उस्ताद मुख्तियार रह रहे हैं? दिल्ली के अंदर ही है, अमरोहा के अंदर। आज हम अमरोहा शहर के अंदर हैं, पर माशाल्लाह से फाजिल भाई आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत दिल भावुक हुआ, और आपकी बातों ने तो भाई साहब दिल जीत लिया। तो मैं तो ये कहूँगा भाई साहब, सलूट है आपको इस बात पर। भाई मैं सभी अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल से, और जो हमारे तालीम से जुड़े हुए लोग हैं, और जो हमारे राहुल पंडित जी यहाँ पर, उस्ताद राहुल पंडित जी आए हुए हैं, इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उस्ताद जी, आज हम उस्ताद मुख्तार तालीम के शागिर्द फाजिल की भाई छत के ऊपर आए हैं, और उनकी बातें सुनी जो इन्होंने बातें की उस्ताद जी के बारे में, उस्ताद मुख्तार के बारे में, क्या उसके बारे में आप क्या कहोगे? इसी का कहना बिल्कुल उचित और सही है। अच्छे लोगों को तो सभी तोड़ना जानते हैं कि आप मेरे लालच भी देते हैं, और जब उनका अपने उस्ताद से कहते हैं कि एक बाप बेटे का रिश्ता तो अलग होता है, एक जो उस्ताद शागिर्द का रिश्ता उससे ही बड़ा होता है, तो वो अपने तालीम में अपने उस्ताद को मानते सबसे बड़ा, और ना ही किसी के लोभ में आते हो। सभी एक बात इन्होंने फाजिल भाई ने किया, लोगों ने जब उनका कबूतर इलाके से उड़ता है तो लोगों ने इनको लालच भी दिया, सब कुछ कराने के साथ, पर इनका मेन पॉइंट इनका ये रहा कि मैं अपने उस्ताद जी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने ये पहले कहा, उनका उड़ता नहीं है, ये उड़ता नहीं तो क्या करेंगे? कोई इनके शागिर्द को तोड़ो खेल हमारे पास आएंगे। उन्होंने कह दिया हाफिज जी ने, हमें आवश्यकता ही नहीं किसी उस्ताद की, हमारे उस्ताद मुख्तार की दुआ हमारे लिए बहुत है, इससे बड़ा अल्लाह ताला का और क्या फैसला। सर जी, ऐसा भी होता है जैसे इंसान के किसी लालच के अंदर आ जाता है, तो जब ऊपर वाले का करम और मेहर होती है उसके ऊपर, जब वो लालच के अंदर आ जाता है तो दोबारा दूसरे साल कबूतर उड़ता है, तो कबूतर उड़ता नहीं उड़ता। कहते हैं कि बाप बेटे को छोड़ के जाता है तो बाप को दुख तो होता है, मगर बेटे कामयाब नहीं होते। वक्ती तौर के लिए तो बहुत तकलीफ होती है, वक्ती तौर के लिए अल्लाह ताला अपना रास्ता बनाया था, बाप दोबारा उसी पर उसी राहत पर आया था, और औलाद जो है फिर अपने वापिस ही अपने घर अपने बाप के पास आना पड़ता है। मेरा भैया ही बहुत बढ़िया, जो जाता है वो मुँह रखा, मैं तो कहता हूँ लालच तो बुरी बड़ा, उसको देना क्या। कहते हैं कि उस्ताद के आशीर्वाद बड़ों के आशीर्वाद से कुछ नहीं है, उससे आगे कुछ नहीं, ये अल्लाह ताला का करम है। चलो शुक्रिया, और हाफिज और दिलशान भाई का भी यही कहना है, पूरी तालीम का उनका कहना यही है, दिल्ली में भी और यहाँ भी। उस्ताद जी बहुत मजा आया, बहुत दिल खुश हुआ तुमसे, बहुत बढ़िया कबूतर जी हमने देखे आगे। उस्ताद से बात करूँ थोड़ी सी मैं जी, आपके शागिर्द फाजिल भाई की आपने बातें सुनी होंगी, क्या कहा उन्होंने। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने भाई उनके दिल के अंदर ऐसी हिदायत डाल रखी है, और कुछ अल्लाह ने ऐसा करम कर रखा है, ये आप सही हो तो सब कुछ ठीक है, आप इंसान ख़राब है सब कुछ ख़राब है, तो सबसे बड़ी खूबी के आपने जो फल लगा रखे हैं, जो पौधे पेड़ जो भी लगा रखे हैं आपने, और माशाल्लाह से आप खूब पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही नवाजता रहे और खूब। मैं जो हूँ कल किसी काबिल नहीं था, आज किसी काबिल नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म उन्हीं की इज्जत है, समझे? उनके हुक्म से ही सारा काम। तालियां भाई, तालियां, सारे तालियां भाई, अल्लाह के हुक्म से सारा काम होता है। मैं किसी काबिल नहीं हूँ, कल था ना आज हूँ, अल्लाह ताला लगता है बड़ों के हमारे साथ। देखो जी, उस्ताद जी के अंदर यही खूबी हमारे उस्ताद के अंदर, उस्ताद मुख्तार के अंदर, कि वो कहते हैं अल्लाह लाज रखने वाला है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ना आज था ना कल, ना मेरे कल बड़े काबिल थे ना आज काबिल है भाई, सब अल्लाह करने वाला है भाई। देखो जब जिसका साया और जिसका हाथ और जिन गुजुर्गानों का दिन का साया होगा भाई, वो कभी नहीं पढ़ सकता भाई, कभी नहीं पढ़ सकता। और अल्लाह चाहे इंशाल्लाह ये फूल और ये बाग दोबारा लगेंगे, अब ये तो बीगो में जाएंगे इंशाल्लाह, चाहे इंशाल्लाह बीगो में जाएंगे अल्लाह के फजल में जाएगा, लंबा कोई नहीं कितना लंबा, कोई कोई तोड़ कोई जोड़ नहीं होगा इंशाल्लाह के फजल करम से उस्ताद मुख्तार का। क्यों? इनका ताल्लुक जो है भाई, इनके जो ताल्लुक हैं वो अल्लाह से जुड़े हुए हैं, और अल्लाह से भाई सबके जुड़े हुए हैं, पर कुछ बुजुर्गों की भाई करम नवाजी है, बस मैं कुछ बयान नहीं कर सकता उसका। कहते ना साये में तुम्हारे हैं, किस्मत ही हमारी है, एक बार नजर से कहते 100 बार से मारी है भाई, तुम तो अल्लाह से यही दुआ करें बस, सबसे बड़ी चीज़ यही है उस्ताद जी के अंदर। भाई फाजिल भाई का आज लालबन घाघरे देखे, बहुत लाजवाब, और इसके बाद फाजिल भाई ने अपने हैदराबादी जंगले वंगले खोले, दोनों टुकड़ियाँ बहुत बढ़िया खूबसूरत, और ये हमारे दिलशाद भाई हैं माशाल्लाह से भाई, ये भी पूरे समाते उस्ताद मुख्तार की तारीफ करते 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 उस्ताद जी के बारे में कुछ बताएंगे भाई। उस्ताद जी का तो कोई बयान ही नहीं कर सकते हम उस्ताद जी के बारे में। अमरोहा क्या कहता है?
अमरोहा कुछ भी कहे कैसे कहे सब खिलाफ आदमी जो होते हैं तो वो तो कहते ही हैं, मगर हमारे जो लोग हैं हाफिज जी हुए, मैं हुआ, तो उस्ताद जी का तो हम कुछ बयान ही नहीं कर सकते हम उस्ताद जी के बारे में। अरे चंद में कितना चलते सूरत को संभाले, बैठी गंगा में सब हाथ धोते हैं। हाँ, गंगा रुकी में क्या एक पैप फट गया था कुछ दिन पहले, पहले वो पैप दोबारा जुड़ गया है, दोबारा जुड़ गया। अब वो जो अल्लाह ताला ने लहर चालू करी थी ना वो फट के कहीं और चली गई, जुड़ गई। और इस साल तो अल्लाह के फजलो करम से अमरोहा में उस्ताद की तालीम का जवाब ही नहीं रहा है, कैसी तालीम की छतें उड़ी हैं कि कोई रिकॉर्ड तोड़ने वाला ही ना मिला। और जब ये झिलमिलाते हैं तो उसकी क्वालिटी अलग होती है। कुछ कहेंगे कि हमारे फजल भाई का शौक देखा, पहले सबसे पहले लालू ठाकरे खोले फजल भाई, उसके बाद खोले उन्होंने हैदराबादी को। उधर कैसे रहेगा कबूतर? माशाल्लाह फजल भाई का शौक देख के बहुत तबीयत खुश हुई, बहुत अच्छा कबूतर पाला भाई, लाल बन ठाकरे भी बहुत अच्छे हैं, और हैदराबादी जो हैदराबादी कासमी कबूतर हैं वो भी अच्छे हैं, और दिखाए तो दिखाए उड़ा के भी दिखाए, माशाल्लाह उड़ने में भी बहुत अच्छे उड़ रहे थे, बहुत खुल्ला बन के बहुत अच्छे मज़े में उड़ रहे थे, और बहुत अच्छा शौक कर रखा है। और ये गंज मोहल्ला गंज में रहते हैं, तो इस मोहल्ले में सब में अच्छा कबूतर उड़ाने वाले हैं, बहुत अच्छा कबूतर उड़ाते हैं और अच्छे ही पालते हैं रिश्ते वाले। खुश हुआ हमारा। हाँ तो ये लाए भी तो होंगे पुटलिए में आके, माशाल्लाह से बहुत बढ़िया शौक करा हमारे। और हैं कितने सर? मैं भाई दिल्ली से, इनके कुछ बता दो हमारे कुछ खुद को खाली सा करके। मैं अभी टाइम लग जाएगा, मैं इनुज भाई को दे दूंगा घर पे पैसे, टेंशन मत। बहुत बढ़िया शौक माशाल्लाह, और नायाब कबूतर माशाल्लाह इकट्ठे करे हैं, मेहनत बहुत मेहनत करके ऐसा साज इकट्ठा करा है, और इंशाल्लाह अभी उम्मीद यही है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अभी और इकट्ठे करेंगे तकरीबन 100 करेंगे। आपने फाजिल भाई की कुछ बातें फाजिल भाई ने की आपने सुनी जी, तो इसके बारे में कुछ रोशनी बताओगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जैसे फाजिल भाई ने कहा उसी बात को रिपीट करते मैं कहना चाहता हूँ, दिल बहुत खुश हुआ और अमरोहा के बहुत दिल खुश हुआ माशाल्लाह। लोग बाग तो बातें बनाते थे, यहाँ पे आके हमने देखा, हकीकत में देखा, यहाँ लोग अपनी इज्जत के खातिर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, और माशाल्लाह बहुत इज्जत करी, अल्लाह इनको और नवाजे, मैं तो इतना नवाजे कि खुश।